two great stalwarts of our country, Pandit Madan Mohan Malviya ji and Atal Bihari Vajpayee, and floral tributes will be paid to both great leaders. Prime Minister will also be releasing a book on Vajpayee ji on the occasion. Those are live visuals we are getting you there from the Lok Sabha, a ceremony to pay tribute to Pandit Madan Mohan Malviya, whose birth anniversary it is today. As you can see, Prime Minister Narendra Modi there leading other members of parliament in paying floral tributes. Today is also the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. And the special gathering has been organized to pay tribute to the two great leaders. Lok Sabha Speaker Om Birla there offering a floral tribute earlier in the day. आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति पर विचार करती है। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती उत्सव के दौरान इस विशेष अधिवेशन का आयोजन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ये अधिवेशन उन्मुक्त वातावरण में हो रहा है, न प्रश्नकाल है, न शून्यकाल है। प्रश्नकाल न होने से मंत्री स्वतंत्र हैं, सदन में रहना उनके लिए आवश्यक नहीं है।
शून्यकाल शून्य में विलीन होने के कारण हमारे मीडिया के मित्र ये भरोसा कर सकते हैं कि आज कोई हाथापाई की नौबत आने वाली नहीं है। न सभा के पटल पर कागज पत्रों को लिटाने का सवाल है और न नियम 377 के अधीन अपनी व्यथा कथा कहने की गुंजाइश है। लेकिन मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है जो सब विषयों का समावेश करता है। मैं सोच रहा था कि कहां से आरंभ करूं और कहां से अंत करूं, लेकिन आपके भाषण ने इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। भाषण बहुत सार गर्भित था, विस्तृत था, शायद ही राष्ट्र जीवन का कोई प्रश्न कोई पहलू उससे छूटा हो। मैं नहीं जानता एक सदस्य के नाते मैं आपके भाषण पर टिप्पणी कर सकता हूं या नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके इस आह्वान का स्वागत करता हूं, अनुमोदन करता हूं कि देश को ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी और गणमान्य अतिथिगण आज हमारे बीच यहां उपस्थित हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संसद में दिए गए उद्बोधनों पर आधारित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम का विमोचन करें। प्रस्ताव पेश कर रहा हूं कि यह सभा देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।